viewers, welcome to e-test YouTube channel. Viewers, सिंध कांस्टेबल पुलिस सीरीज हमने एक स्टार्ट की थी, आज उस सीरीज का पार्ट 12 डिस्कस करेंगे. Viewers, इस सीरीज में पार्ट 12 में हमने कोशिश की है कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करें, इसलिए हो सकता है ये वीडियो दूसरी वीडियोस की निस्बत थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाए. परेशान मत होइएगा, वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपके लिए आसानी रहे. आपने तमाम क्वेश्चंस का प्रोसीजर समझना है, तरीकाकार समझना है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन तकरीबन सेम तरीकाकार से हर पेपर में पूछे जाते हैं. वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपकी तवज्जो इंतहाई जरूरी है. इन्हें इस सीरीज को देखने का तैयार करने का तरीकाकार ये है कि आप अपने पास कॉपी पेंसिल रखें और जहां पे क्वेश्चन खत्म हो उसे पहले सॉल्व करें, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर आगे चलें. व्यूअर्स, उससे पहले नोट कर लें, अगर आप इस सीरीज सिंध कांस्टेबल पुलिस सीरीज या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद किसी भी सीरीज को बजरिए डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके घर बैठे इस सीरीज को मंगवा सकते हैं. हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है. क्वेश्चन नंबर 276, सवाल नंबर 276, इससे पहले के 275 सवाल सबका पार्ट्स में मौजूद हैं और तमाम पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें तमाम वीडियोस मौजूद हैं. व्यूअर्स, एक सीरीज दी गई है और कहा गया है कि बताएं इससे नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा. YEB, WFD, UHG, SKI, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन किया गया आपसे कि बताएं, यहां पे QOL आएगा. लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि QOL किस तरह से आएगा, हम इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम इन चारों वर्ड्स का पहला पहला लेटर देखेंगे कि पहला पहला लेटर किस तरह से आया है. वाई में से दो माइनस करने हैं तो ये W आ जाएगा. वाई में से दो माइनस किए W आ गया, W में से दो माइनस किए U आ गया, U में से जब दो माइनस किए S आ गया, एस में से जब दो माइनस करेंगे तो यहां पे पहला लेटर जो होगा वो क्यू होगा. व्यूअर्स, ये एक सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस से आपने चार लेटर्स, इन चारों वर्ड्स को देखना है. जो सीक्वेंस चल रहा हो उस सीक्वेंस को आपने जारी रखना है. नेक्स्ट है इसमें दूसरा जो इसमें लेटर है ई है, ये देखें ई में एक जमा किया, ई में जब एक जमा किया, ये देखें ई में एक जमा किया एफ आ गया, ये यहां पे सेकंड वर्ड एफ है. एफ में फिर आपने दो जमा करने हैं, एच आ गया, एफ जी एच. ये एबीसी आप पढ़ते जाएंगे, दो दो जमा करते जाएंगे. अब इसमें पहले में एक जमा करना है, दूसरी बार इसमें दो जमा करने हैं, तीसरी बार तीन जमा करने हैं. जब एच में तीन जमा किए जाएंगे तो के बनेगा, क्योंकि एक एक डिजिट नंबर बढ़ता जा रहा है, इसलिए जब के में, इसी तरह जब के में आप चार प्लस करेंगे जमा करेंगे तो ये ओ बन जाएगा. यहां पे पहला लेटर जो है वो क्यू होगा, दूसरा लेटर यहां पे ओ होगा. अब यहां पे हमारे पास तीसरा लेटर हम यहां से अब चेक करेंगे. तीसरा लेटर हमारे पास यहां पे है बी, इधर डी है, यहां पे जी है, यहां पे आई है. शॉर्ट डिटेल देखें, बी में दो जमा करने हैं, डी बन जाएगा. बी में दो जमा किस तरह करेंगे आप, बी सी डी. आप एबीसी कंप्लीट आगे करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ये जिस तरह डिजिट्स में जमा होते हैं इसी तरह लेटर्स जमा होंगे. यहां पे पहले में आपने दो जमा करने हैं, बी में दो जमा करेंगे डी हो जाएगा, डी में जब तीन जमा करेंगे तो जी हो जाएगा, जी में जब आप दोबारा दो जमा करेंगे तो ये आई हो जाएगा, आई में जब तीन जमा करेंगे तो ये एल हो जाएगा. यहां पे थोड़ा कंफ्यूज किया गया है कैंडिडेट को, पहले में दो जमा करने हैं, दूसरे लेटर में तीन जमा करने हैं, फिर दोबारा दो जमा करने हैं, फिर तीन जमा करने हैं, इसी तरह ये सीक्वेंस चलता जाएगा. पहले लेटर में आपने दो जमा करने, दूसरे में तीन. ये सीक्वेंस सिर्फ कैंडिडेट को परेशान करने के लिए किया गया है.
इसलिए इसे याद रखें, ये हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कैंडिडेट्स इसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए ये क्वेश्चन उनका मिस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 277। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज फ्लड, फायर, साइक्लोन एंड डैश। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अर्थक्विक, रेन, एक्सीडेंट, डैमेज। यहां पे जो चौथा हमारे पास आएगा वो अर्थक्विक आएगा। वीवर्स पेपर में जो सही टिक किया गया था वो अर्थक्विक है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे रेन भी आता है क्योंकि फ्लड, फायर, साइक्लोन एंड अर्थक्विक आर नेचुरल क्लैमिटीज। मजीद आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 278, हु इज द फाउंडर ऑफ बिल गेट माइक्रोस्कोप, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर है, बानी है, वो बिल गेट्स है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को 4 अप्रैल 1975 को कायम किया। क्वेश्चन नंबर 279, डैश इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। व्यूअर्स, ये एक फार्मूला पूछा गया है, ये मीन का फार्मूला है, मीन या एवरेज। इसमें ये होता है कि आपके पास जितने नंबर्स हों उन्हें जमा कर लें, जमा करने के बाद जितने आपके पास नंबर्स हैं उन्हें काउंट कर लें। सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास मीन या एवरेज फाइंड आउट होगा। ये मैट्रिक लेवल पे जितने भी फार्मूलाज हैं वो तमाम फार्मूले आप तैयार करें, क्योंकि कांस्टेबल, चाहे वो सील पुलिस है, केपीके है या पंजाब है, मैट्रिक लेवल पे फार्मूले पूछे जाते हैं उसमें, इंटरव्यू रिटन टेस्ट दोनों में। क्वेश्चन नंबर 280, ए स्क्वेयर माइनस 1 to 1 इज इक्वल टू ए प्लस 11, ए माइनस 11। व्यूअर्स, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में दो अमाउंट्स दी गई हैं, जबकि राइट साइड पे ये फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ये अलजबरा का फार्मूला है, जो कैंडिडेट्स मैट्रिक में इसे तैयार करते रहे उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। इसे सॉल्व करते हैं, शॉर्ट डिटेल में देखें इसे। ए स्क्वेयर माइनस 1 to 1 इज इक्वल टू ए प्लस 11, ए माइनस 11। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसे आप उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, इस साइड पे जीरो रह जाएगा, ये तमाम अमाउंट्स एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो ये जीरो हमारे पास आंसर आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले, अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 281, व्हाट इज सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन 315:5:5, 315:525। इसकी सादा तरीन शक्ल रेशो कौन सी होगी? वीवर, जब हम इसे 105 पर डिवाइड करेंगे 315 को और 525 को, तो हमारे पास 3:5 आंसर आएगा। इसके बाद ये जो सिचुएशन कंडीशन बन गई है रेशो की, ये मजीद डिवाइड नहीं होती, इसलिए 3:5 या 3:5 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 282, हाउ मैनी पेजेस ऑफ गूगल। मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत से पेपर्स में पूछा गया है, गूगल के कितने पेज हैं। देखने में तो यही लगता है कि गूगल के बहुत सारे पेज हैं, लेकिन गूगल का सिर्फ एक ही पेज है, इसलिए ऑप्शन ए को आप टिक करेंगे। बहुत से पेपर्स में गूगल के बारे में पूछा गया है, गूगल एक सर्च इंजन है। बहुत से कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं, इसको ब्राउजर पे टिक करते हैं, ये ब्राउजर नहीं है, ये सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 283, व्यूअर्स, दो सेट दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 और कंटिन्यू, ये आगे चल रहा है। ये नहीं पता हमें ये 100 पे जाकर रुकेगा, 200 पे, 1000 पे, कहां पे। इसमें ये जो सेट दिया गया है ये इनफिनिट सेट है, लामुतनाही, उर्दू में इसे लामुतनाही सेट कहते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और इंग्लिश में इसे इनफिनिट सेट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 284, दोबारा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, x माइनस 2, x माइनस 3। ये वही क्वेश्चन है जो साबका क्वेश्चन में मैंने आपको
सॉल्व करवाया है, इस फार्मूले को आपने खोलना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बनेगा। शॉर्ट डिटेल में इसे सॉल्व भी किया गया है, इसे देख लें, नोट कर लें, तमाम मैथमेटिकल क्वेश्चंस को पास करके देखें। जो भी एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है वहां पे वीडियो को रोक दें, उसको सॉल्व करें, उसके बाद आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 285, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, डायग्राम में इसका सॉल्यूशन दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 286, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 दे आर कॉल्ड। अगर दो एंगल्स का जो जाविया है, दो एंगल्स जो है वो 180 डिग्री है, तो इसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 287, द सेट ऑफ कॉमन मेंबर्स ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड डैश। दो सेट्स में जो चीजें मिलती हैं, जो डिजिट्स मिलते हैं, उन्हें उर्दू में तकाते कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसे कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट्स में जो मिलती जुलती चीजें होती हैं उन्हें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 288, हु इज द फाउंडर ऑफ अलजबरा। अलजबरा अलख्वारज्मी ने ऐजाद किया, अलख्वारज्मी को अलजबरा का बानी, फादर ऑफ अलजबरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 289, हु इन्वेंटेड द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जाबर बिन हयान ने ऐजाद किया। जाबर बिन हयान के बारे में बहुत से पेपर्स में पूछा गया है, इन्हें क्या कहा जाता है, इनका लकब क्या है। जाबर बिन हयान को बाबाए कीमिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 290, वीवर एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज को आपने कंप्लीट करना है 11, 7, 14, 10, 17 कंटिन्यू। नेक्स्ट पूछा गया है कि इसमें क्या आएगा, शॉर्ट डिटेल को देखें। पहले में से 11 में से आपने 4 को माइनस किया, 7 आ गया, 7 में आपने 7 को जमा करना है, 14 आ जाएगा। पहले फिगर में से आपने 4 माइनस करना है और दूसरे में 7 जमा करना है। ये सीरीज इसी तरह जारी रहेगी, 7 में 7 जमा करेंगे 14 आ जाएगा, 14 में से 4 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, 10 में फिर 7 जमा करेंगे 17 आ जाएगा। आपने पहले डिजिट में 4 माइनस करना है, दूसरे में 7 जमा करना है, इसी तरह ये सीरीज जारी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 291, एक सीरीज दी गई है 2, 6, 12, 20, 30, 42। पूछा गया कि आगे, इससे आगे सीरीज में कौन सा डिजिट, कौन सा फिगर, कौन सी अमाउंट आएगी। शॉर्ट डिटेल देखें, सबसे पहले आपने 2 में 4 जमा किया, 6 आ गया। अब दूसरी अमाउंट जो हमारे पास 6 है, इसमें हमने 2 डिजिट्स बढ़ा देने हैं। पहली में 4 जमा किया, दूसरी में 6 जमा करेंगे, तीसरी में 8, चौथी में 10, पांचवी में 12 और छठी में 14 डिजिट्स हम जमा करेंगे। ये सीरीज इसी तरह 2 बढ़ाते जाएंगे चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 292, कंप्लीट दी सीरीज। एक सीरीज दी गई है, उसमें मिसिंग लेटर पूछा गया है। यहाँ पे जो मिसिंग लेटर है, जो हमने फाइंड आउट किया है, वो 5 है, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में कन्फ्यूजन है। अगर व्यूवर्स आपको इसका करेक्ट आंसर पता हो, सोल्यूशन पता हो, तो कमेंट सेक्शन में हमारी मालूमात में इजाफा के लिए जरूर मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 293, कंप्लीट दी गिवन सीरीज। सीरीज दी गई है और कहा गया है कि इसे कंप्लीट करें, 137, 15, 31, 63। इसे कंप्लीट करने का तरीकाकार ये है कि पहले में आप 2 जमा करेंगे, जब दूसरी अमाउंट में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को जब नेक्स्ट स्टेप पे आप प्लस करेंगे तो ये 8 प्लस करेंगे, जो भी अमाउंट है आप उसको 2 गुना करके डबल करके नेक्स्ट अमाउंट में आपने ऐड करना है। पहली में 2 जमा किया, दूसरी में 4, तीसरी में 8, चौथी में 16, पांचवी अमाउंट में 32 और छठी अमाउंट में 64। आप सीरीज को देखें, तमाम अमाउंट्स डबल होती गई हैं, इसी तरह ये सीरीज चलती रहेगी। सीरीज में नेक्स्ट जो आंसर होगा वो होगा 127। क्वेश्चन नंबर 294, ये सीरीज आपने कंप्लीट करनी है, इसमें मिसिंग लेटर आपने बताना है। इस सीरीज को समझें, सीरीज किस तरह से सॉल्व की गई है। इसमें तरीकाकार यह है कि पहली अमाउंट में आपने 5 जमा करना है,
और दूसरी अमाउंट में आपने 3 माइनस करना है। पहली 8 में जब 5 जमा करेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में फिर आप 5 जमा करेंगे जो जवाब आएगा उसमें से 3 माइनस करेंगे। पहली अमाउंट में 5 जमा करें, दूसरी में से 3 माइनस करें। यह सीरीज इसी तरह जारी रहेगी। इसमें जो मिसिंग लेटर है नेक्स्ट वो 19 है, 19। क्वेश्चन नंबर 295, कंप्लीट द गिवन सीरीज। सीरीज को कंप्लीट करना है 2, 5, 8, 11, 14। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट इसमें 17 आएगा। 17 किस तरह से आएगा, शॉर्ट डिटेल देखें। आपने 2 में 3 जमा करने हैं 5 हो जाएगा, 5 में 3 जमा करने हैं 11 हो जाएगा। 3-3 आपने तमाम अमाउंट्स में जमा करते जाना है। ये सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 296, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट। बॉल पॉइंट लेज़लो बीरो ने आजाद की, लॉर्ड बीरो, सॉरी ये लेज़लो बीरो है, ये मिस प्रिंट हुआ है। इसने बॉल पॉइंट को 1888 में आजाद किया। क्वेश्चन नंबर 297, कंप्लीट द गिवन सीरीज 3, 6, 15। आगे मिसिंग नंबर दिया गया है 1, 2, 3, 3, 6। मिसिंग लेटर जो है ये 42 आएगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन शॉर्ट डिटेल में दिया गया है, इसको देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 298, कंप्लीट द गिवन सीरीज 3, 7, 13। 13 के बाद एक मिसिंग नंबर है, क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर, आगे 31 है। जहां पे क्वेश्चन मार्क है यहां पे 21 आएगा, 21। ये सीरीज कुछ इस तरह से है कि पहले आपने पहली अमाउंट में 4 जमा करना है, दूसरी में 6 जमा करना है, तीसरी में 8, चौथी में 10, पांचवी में 12, छठी में 14। ये 2-2 बढ़ा के आप जमा करते जाएंगे। ये सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 299, कंप्लीट द गिवन सीरीज। सीरीज को कंप्लीट करें 1, 2, 5, 10, 19, 28। नेक्स्ट इसमें 39 आएगा। 39 किस तरह से आएगा, शॉर्ट डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। आपने तमाम अमाउंट्स में, पहली अमाउंट में पहला ऑड नंबर, उर्दू में इसे ताक नंबर कहते हैं, पहला ताक नंबर जमा करना है, फिर दूसरा ताक नंबर जमा करना है। पहला ताक नंबर ऑड नंबर हमारे पास 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, 7, 9, 11, 13, ये तमाम ओड नंबर्स हैं। इन तमाम ओड नंबर को 1 by 1 आप प्लस करते जाएं, ये सीरीज जारी रहेगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 39। क्वेश्चन नंबर 300, कंप्लीट द गिवन सीरीज। एक सीरीज दी गई है 1, 9, 5, 13। नेक्स्ट इस सीरीज में क्या आएगा, नेक्स्ट इस सीरीज में 9 आएगा। 9 किस तरह से आएगा, शॉर्ट डिटेल को देखें। पहले डिजिट में आपने 8 प्लस करना है, दूसरे में से 4 माइनस करना है। 1 में 8 जमा किया 9 आ गया, 9 में से 4 माइनस किया 5 आ गया, 5 में दोबारा 8 जमा किया 13 आ गया, 13 में से 4 माइनस किया 9 आ गया, 9 इसका दुरुस्त जवाब है। ये सीरीज इसी तरह जारी रहेगी। व्यूअर्स, काफी टफ पार्ट था ये, कोशिश की है कि तमाम सवालात को एक्यूरेट आपके साथ डिस्कस करें। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सिंध कांस्टेबल पुलिस पार्ट 13 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।